पापा चाय ला जल्दी। हाँ, टप्पू के पापा, चाय में गड़बड़ डाल के लाती हूँ। क्या? अरे वो कप में चाय डाल के लाती हूँ। हाँ ला ला भाई, जल्दी ला। मैं भी। ओ ढोलीदा, ढोलीदा ढोल रे वो गाड़ मरे हिचले विचे। ढोलीदा ढोल रे वो गाड़ मरे हिचले विचे। ढोलीडी जल्दी चाय देन मने मोड़ थाय छे। ढोलीडी जल्दी चाय देन मने मोड़ थाय छे। जरा शांति राखने मने चाय पीवा दे। ढोलीडी शांति राखने मने चाय पीवा दे। देखो टप्पू के पापा, ये नवरात्रि का त्योहार है ही ऐसा। अच्छे अच्छे इसके रंग में रंग जाते हैं। लेकिन तेरी तरह नवरात्रि के रंग में कोई नहीं रंगता। तू तो नींद में भी गरबा करती है। कल रात को कितनी लाते मारी है तूने मुझे पता? अरे भाई चाय पीने देना भाई। नहीं नहीं नहीं, एक राउंड बस। अरे भाई चाय ठंडी हो जाएगी। मैं नहीं बना के दूंगी। अरे टाइम नहीं है, दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। अरे अभी टाइम आप बिगाड़ रहे टप्पू के पापा। चलिए ना, अभी तक तो एक राउंड हो भी गया होता। चलिए। अरे अभी नहीं, अभी नहीं। क्या कर रही है दया तू? सॉरी टप्पू के पापा, चाय छोड़ देता, पूरा शर्ट बिगड़ गया मेरा। सॉरी सॉरी। ये देखिए शर्ट है। क्या हुआ बाबू जी? ये देखिए। क्या देखिए, इतना बड़ा हो गया, एक चाय पीनी नहीं आती। नहीं नहीं बाबू जी, वो मैं दूसरी चाय लेकर आती हूँ। क्या हो गया? बाबूजी हाँ, क्या बोल रहा था? क्या वो क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। चलो अभी खड़ा क्या है, फटाफट कपड़े बदल और दुकान जा। हाँ वो अरे वाह, हर जगह नवरात्रि का माहौल छाया हुआ है। आवत राम वाने गरबे घुमवाने, माड़ी मारे जो तबने राम तारे। वाह वाह बाबूजी, आप भी नवरात्रि के रंग में एकदम रंग गए हैं। वो तो बस ऐसे ही बहू, मैं अपने कमरे में हूँ। जी जी बाबूजी। शोर तो गरबा मत कर, फिर से चाय गिरेगी। नहीं 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 बिल्कुल, आइए ना चाय तैयार है। हाँ बस बस, ये नई चाय आपके लिए तैयार है। टप्पू के पापा, जरा फास चाय पीजिए। हम क्यों? वो क्या, मुझे क्लब हाउस में जाना है, पूरी महिला मंडल है ना, उनको गरबा सिखाने के लिए। इसमें सिखाने का क्या, सबको आता तो है। हाँ बराबर आता है, पर क्या है कि इस बार कुछ नया अलग करने का सोचा है इसलिए। ए टप्पू के पापा, आप भी चलिए ना, आप भी गरबा सीखिए, मजा आएगा। किसको? मुझे। आइए ना। तुझे तो मजा आएगा, लेकिन मैं यहाँ गरबा सीखने बैठ गया ना तो मेरी गैरहाजिरी में उधर दुकान में नट्टू काका बागा को मजा आ जाएगा। कस्टमर को छोड़ के वो दोनों गरबा करने लगेंगे। नट्टू काका, माल की डिलीवरी तो कल हो जाएगी। वेरी लेट, बट वो कब आएगी? अभी बताया तो सही नट्टू काका, डिलीवरी कल आ रही है। अरे बागा बॉय, अब मैं नवरात्रि की बात कर रहा हूँ। अच्छा नवरात्रि, बस 3 दिन के बाद नवरात्रि आ रही है। ठीक है, लेकिन वो पहले आ जानी चाहिए। नवरात्रि पहले कैसे आ सकती है? रॉन्ग अगेन बागा बॉय, अब मैं डिलीवरी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नवरात्रि के ऑर्डर बुक होंगे उसके पहले डिलीवरी आ जानी चाहिए। ओह माय गॉश, आ गई माल की डिलीवरी। बावरी जी, नट्टू काका। बावरी जी आप?
हाँ तुम सवेरे सवेरे यहाँ मत आया करो, सेठ जी गुस्सा करेंगे। पता है, लेकिन नवरात्रि आ रही है। बावरी जी, नवरात्रि तो 3 दिन के बाद आ रही है। अभी 3 मिनट में सेठ जी अगर यहाँ आ गए और आपको यहाँ देख लिया तो हम पर बहुत गुस्सा करेंगे। हाँ। पता है बागेश्वर जी, लेकिन क्या करूँ, मैं अपने आप को यहाँ आने से रोक ही नहीं पाई क्योंकि नवरात्रि आ रही है। बावरी जी, नवरात्रि तो हर साल आती है। हाँ बागेश्वर जी, पर इस बार हम खूब धूम मचाएंगे, जलसा करेंगे। और आपको पता है हम लोग क्या करने वाले हैं? क्या बागेश्वर जी, हम दोनों बड़ी नवरात्रि में जाएंगे और आप मुझे बड़ी नवरात्रि में ले जाने के लिए सीजन पास खरीदोगे। अच्छा बागेश्वर जी, आपको पता है सुपर सोनिक नवरात्रि ब्लास्ट होने वाली है, आप बस उसके कपल सीजन पास खरीद लो। 9 दिन के सिर्फ 10,000 रुपए। 10,000? ओ माय गॉश, इतना महंगा! लोगों ने त्योहार को बिजनेस बना दिया है। देखो ना नट्टू काका। हाँ नट्टू काका, आपकी बात तो सही है, लेकिन नवरात्रि आ रही है। भागेश्वर जी, हमें जल्द से जल्द वो पासेस खरीदने पड़ेंगे। चलिए ना चलते हैं, अगर हमसे गलती से मिस्टेक हो गई तो सारे पासेस खत्म हो जाएंगे। बराबर है, लेकिन बावरी नट्टू बावरी, आप कुछ मत कहिए। मुझे पता है आपने मुझे दुकान के टाइम पर दुकान में आने से मना किया है, लेकिन आज मुझे मजबूरन आना पड़ा। मजबूरन? हाँ। अच्छा, ऐसे क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से आपको यहाँ दुकान में आना पड़ा? वो नवरात्रि आ रही है ना, तो वो डांडिया के पासेस फटाफट बिक रहे हैं, तो मैं बागेश्वर जी को कहने आई थी कि जल्दी से पासेस खरीद ले। तो ये बात तो फोन पर भी बता सकते थे, उसके लिए यहाँ दुकान में आने की क्या जरूरत है? हाँ, पर आपने तो बागेश्वर जी को दुकान में फोन स्विच ऑफ रखने के लिए कहा है ना। उठा जी, बोलिए सेठ जी। फोन चालू है तेरा? फोन चालू है इसका? हाँ, पर मुझे नहीं पता था ना कि फोन चालू है, मुझे लगा कि फोन स्विच ऑफ होगा। ठीक है, जो बोलना था वो बोल दिया तूने बाघा को? हाँ बोल दिया। हाँ बस, तो फिर अरे जाओ। हाँ जा रही हूँ। तो बागेश्वर जी, कब खरीद रहे हैं आप पास? बावरी जी, पासेस थोड़े महंगे नहीं है? थोड़े महंगे? अरे बहुत महंगे है, इट्स ए क्रिमिनली एक्सपेंसिव। क्रिमिनली एक्सपेंसिव? और नहीं तो क्या, इतने महंगे पास खरीदने के लिए तुम्हें अपने पर्स की हत्या ही करनी पड़ेगी ना। कितना क्या है पास? 10,000। 10,000? तू पागल हो गई है बावरी, 10,000 के पास खरीद के कोई डांडिया खेलने जाता है? कोई जरूरत नहीं इतने महंगे पास खरीदने की। अरे हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में हर साल धूमधाम से नवरात्रि होती है, इस साल भी होगी। एक काम करो, तुम दोनों वही गोकुलधाम सोसाइटी में ही आ जाना, वो भी फ्री में। अरे वाह, तो बागेश्वर जी पास खरीदना कैंसिल, इस बार हम नवरात्रि गोकुलधाम में मनाएंगे। मैं तो कहता हूँ अभी जा गोकुलधाम सोसाइटी में, दया और सब लेडीज और गरबा की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तू भी जा, जाके कर प्रैक्टिस। अरे वाह, थैंक यू मीठा लाल जी। अरे मीट ठीक है, अच्छा मीठा चलेगा, ठीक है। तो मैं जाऊँ? कहाँ? दया बहन के पास गरबा की प्रैक्टिस करने। बोलो श्री अम्बे मात की जय। हे माता जी, हर साल की तरह इस साल भी हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में गरबा करने के लिए जरूर पधारना। तो सब लोग गरबा की तालीम के लिए तैयार? वैसे तो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में सब लोगों को गरबा आता है, पर इस बार कुछ नया, कुछ अलग करने का सोचा है, इसलिए मैंने गरबा के कुछ नए नए टैप सोच कर रखे हैं। तो मैं शुरू करती हूँ, आप भी मेरे साथ गरबा कीजिए। पहले हम सादे गरबे से शुरुआत करेंगे।
है तुम्हारा? मेरा नाम गौरी है। अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है बेटा। किसे मिलना है? दया आंटी, आपसे। मैं आपसे गरबा सीखना आई हूँ। अरे गौरी बेटा, तुम मुझे जानती हो? दया आंटी, आप तो पूरे एरिया में सबसे बेस्ट गरबा करती हो। सबने कहा कि अगर गरबा सीखना तो गोकुल धाम में दया आंटी के पास जाओ। छान छान बड़ा। पर तुम रहती कहाँ हो? तुम्हें इस एरिया में कभी देखा नहीं है पहले? यही बाजू वाले बिल्डिंग में। हम लोग नए हैं, अभी अभी शिफ्ट हुए वहाँ। बेटा, तुम्हारे घर में पता है ना कि तुम यहाँ आई हो? हाँ आंटी, वो तो सब लोगों को सब कुछ पता है। दया आंटी, आप मुझे घर पर सिखाएंगी ना? दया भाभी हम सबको सिखा रही है, तो तुम्हें तो जरूर सिखाएगी। तुम तो कितनी प्यारी बेबी हो। थैंक यू आंटी। और देखिए ना, गरबा सीखने की उसकी धगस कितनी है। हेलो बेटा, इस बार नवरात्रि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में मनाना। हाँ, बच्चा यही। हाँ आंटी, एकदम पक्का। तो सादा गरबा तो आप सब लोगों को आता ही है। हाँ। अब मैं आपको 3 ताली 2 ताली दोड़ियू और हीच ये सब बताऊंगी। दया भाभी, हमें ये सारे नाम तो पता है, पर ये स्टाइल हमें खेलना नहीं आता है। हाँ, हमेशा हम लोग फ्री स्टाइल ही करते रहते हैं। दया भाभी, हमें जो स्टाइल नहीं आते वो स्टाइल सिखाइए ना प्लीज। हाँ, इसलिए मैं आप लोगों को पहले 3 ताली के गरबा सिखाऊंगी। हाँ। मैं करती हूँ, आप भी मेरे साथ कीजिए। नहीं नहीं दया भाभी, पहले आप दिखाइए ना, फिर हम लोग आपको फॉलो करते हैं। राइट। नया है ना हमारे लिए तो। तो समझ में आ गया ना? हाँ हाँ, रोटी जैसे। हाँ, रोटी जी मुझे। चलिए आप सब लोग भी मेरे साथ कीजिए। रुकिए रुकिए। घूमने वाला स्टेप बताया था ना? हाँ। तो मेरा हाथ बावरी के हाथ में ऐसे फंस गया और वो वहाँ चली गई। ओ, कोमल भाभी, आपको ध्यान रखने का और बावरी बिना आपको भी। राइट। अगर मुझे आ गई तो कैसे ऐसा गरबा करेंगे? हाँ। मैं गरबा ही नहीं कर। बराबर बराबर। थोड़ा ध्यान रखना।
मुझे लगता है कि बड़ी होके ये दूसरी दया भाभी बनेगी। अरे बड़ी होके तो ये मुझसे भी अच्छा गरबा करेगी। थैंक यू आंटी। तो ये सब टेप की आप घर में पैट्रिक्स करना आ जाएगा। अभी मैं आपको एक नया टेप सिखाने वाली हूँ, एकदम अलग। और सुंदर हीरा ने मेरे ये टेप का नाम हवा हवाई रखा है। हवा हवाई, हवा हवाई। आपने कभी शायद नहीं देखा होगा, वो टैप मैं अभी करती हूँ। हाँ, एक दो तीन चार पाँच। चलिए अभी ये टैप हम सब लोग साथ में करते हैं। एक दो थ्री चक्कर। क्या मस्त कर देगा, शाबाश। वाओ दया भाभी, ये स्टेप सीखने के बाद तो कहना पड़ेगा सुंदर भाई ने स्टेप का परफेक्ट नाम दिया है। सब लोगों ने मस्त गरबा किया, लेकिन हमसे भी फासम फास सिखाए गौरी ने। मूर्ति लान कीर्ति महाने। वाह वाह, गौरी के लिए तालियां हो जाए। बहुत इज्जत किया। हाँ लेकिन दया आंटी, आप जैसा गरबा तो कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। अरे नहीं नहीं बेटा, ये सब मैं नहीं, माता जी मुझसे करवाते हैं। दया बहन, मुझे आपसे बहुत सारे स्टेप सीखने हैं, आप सिखाओगी ना? हाँ हाँ बावरी बहन, मेरे पास तो ढगलो टेप पड़े हैं, यो यो टेप, मस्तानी टेप, चक्कर चक्कर टेप, बहुत सारे हैं। हाँ, इस बार तो हम लोग ऐसा गरबा करेंगे ना कि सब लोग देखते रह जाएंगे। हम तो ये गरबे के नए स्टेप्स अच्छे से करेंगे ही, और घेर जाके अपने अपने पति को भी अच्छे से सिखाएंगे। गुड आइडिया। रोशन भाभी, हम सिखाएंगे कब? वो लोग तो पूरा दिन काम में बिजी होते हैं। अरे शाम को घर आने के बाद अंजलि भाभी, आज तो टप्पू के पापा घर आएंगे ना, तब मैं उनको नए नए टैप सिखाऊंगी, मजा आएगा। अच्छा मैं आप लोगों को एक मेरी मन की बात कहूँ, वो क्या है कि कब से आप लोगों को मैं गरबा सिखा ही रही हूँ, अब मुझे मुझे गरबा करने का बहुत मन हो रहा है, तो हम लोग हर बार करते हैं वैसा गरबा हो जाए। छा गया चारों ओर नवरात्रि का माहौल, आ गया माता जी की भक्ति और गरबे का मौसम। हर मन में उल्लास है, हर चेहरे पे खुशी है, हर दिल में उमंग है और जोश है। निश्चित तौर पे माहौल ही कुछ ऐसा है कि जोश होना तो स्वाभाविक है और लाजमी भी। और यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में दया भाभी सिखा रही हैं सभी लेडीज को गरबा, और ये गरबा हम सभी के घरों में आने वाला है, क्योंकि सभी पत्नियां अपने अपने पति को गरबा जरूर सिखाएंगे। जब पत्नियां पति को सिखाएंगी तो हंगामे तो होंगे, क्योंकि पत्नियों से ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर कोई नहीं होता। तो आप भी अपने घरों में अपनी पत्नी से गरबा सीखिए, उनके साथ गरबा खेलिए, डांडिया कीजिए, और क्या होता है ये तो आप हमें नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ क्या होने वाला है ये मैं आपको बता दूँ। भाई ये तो मैं नहीं बता सकता कि क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर तय है कि यहाँ होगा कोई हंगामा। मुझे अंदेशा हो रहा है कि यहाँ कोई संकट आने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन ये गड़बड़ क्या होगी ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.